लोग पेजर के रूप में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सेटिंग में चलेंगे और बॉटम में जहाँ हम लोगों ने पेजर सेलेक्ट किया था, यहाँ पेजर सेलेक्ट करेंगे वोटर में और इसको हम लोग यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। ये देखिए आ गया, और हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वन आ रहा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पर, जो कि हमारा ये है। तो इसके थ्रू हमें इसकी नीड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देंगे एक्सक्लूड फ्रॉम डिस्प्ले और सेव कर देंगे। और अपना व्यू सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का हमारा पेजर भी आ गया, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा व्यू चेंज होता रहेगा। ठीक, सेव करने के बाद देख लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को। ये देखिए यहाँ पर इसका पेजर जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ CSS का इशू है कि ठीक है, ये CSS का इशू है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसा आप CSS लगाएंगे वो आपको वैसा ही दे देगा। हमें बॉटम में चाहिए, हम बॉटम में लगा सकते हैं। इस तरीके से आप CSS लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप बॉटम में दे सकते हैं। तो ये इस तरीके का आपका CSS वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये स्लाइडर आपका बन गया है। आप अपने साइड बार में, ब्लॉक में, आप जहाँ दिखा सकते हैं, तो इस टाइप से आप स्लाइडर दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।